देखिए, लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हैं, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जीवन है ना, बहुत ही कठिन होता है। आप सोचिएगा ऐसा हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। सुख दुख परेशानी सब चीज़ लगा रहता है। कभी आपको सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा तो कभी सुख मिलेगा। ये ज़िंदगी हमेशा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप जो चाहेंगे ना वो पूरा नहीं होगा। आप लाख कोशिश भी कर लीजिएगा ना तो आपको लगेगा ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे मिल ही जाएगा। तो कभी कभी होता है कि मिलते मिलते वो नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारे परेशानियाँ आएगी, ठीक है, बहुत सारे दुख आएंगे आपके जीवन में, ठीक है। बहुत बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी, और उस चीज़ को सोचकर ना आप काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, जिसे सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ हम शेयर करें। तो बस आपको उस समय करना ये है कि जो भी परेशानी आपके जीवन में है, जो भी समस्या आपके जीवन में है, तो बस इस समस्या को है ना आप इस तरह से देखिए कि ये कुछ समय के लिए है, फिर वो चला जाएगा, ठीक है। ये परेशानी है ना कुछ समय के लिए वो चला जाएगा। कोई भी चीज़ है ना इस जीवन में परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी चीज़ हो, आप ही देख लीजिए। तो आपको है ना हर सिचुएशन में सामान्य रहना है। अगर आप ये रहना और करना सीख लिए ना तो आपका ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा। हर सिचुएशन में चाहे सुख हो दुख हो एकदम सामान्य, अपने दिमाग को कंट्रोल आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इमोशनली ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच नहीं हो रहे, कोई चीज़ आपका कंट्रोल नहीं कर रहा, आप किसी और चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा आपको बनना है। और कोई चीज़ आपको कंट्रोल करने लग रहा है, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी चीज़ या इंसान, कोई भी चीज़ या फिर इंसान कोई ना हो, अगर ऐसा हो रहा है समझिए आप बहुत दुविधा में फंसने वाले हैं। इसलिए आप है ना अपना कंट्रोल, अपने जीवन का चाबी किसी को मत दीजिए, ठीक है। आपका लाइफ है, आपकी जीवन है, और आपको जैसे मन करता है, जिस तरह से मन करता है वैसे जिए, ठीक है। ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और लाइफ के एक्सपीरियंसेस लीजिए। जितना भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, उसको भूल कर आगे मूव ऑन करते रहिए। हम मानता हूँ आपको बहुत परेशानी होगा, कभी जब भी आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत दुख आएगा, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता ही है। जब तक आप इससे मूव ऑन नहीं करेंगे, आगे नहीं निकलेंगे, आपको कुछ और चीज़ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। आप किसी चीज़ में बहुत समय से लगे हैं, बहुत समय से लगे हैं कि मेरा हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, और प्रयास कर लेते हैं, अब मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो बस आपको समझना होगा कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इसको छोड़कर दूसरा चीज़ में प्रयास करना चाहिए, तब जाके आपको वो चीज़ मिल सकता है। चाहे वो कम प्रयास में आपको मिल जाए, जो आप उसको छोड़ के किसी और चीज़ में लगेंगे, तो ये भी हो सकता है। बस ये है कि आपको उसको लेट गो और मूव ऑन करना पड़ेगा। जब मूव ऑन करना आप सीख लिए ना, तो आपको खुशी का कभी कमी नहीं होगा, दुख में भी आप खुश रहेंगे, और कोई चीज़ आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। जीवन में क्या चाहिए, खुशी ही चाहिए। सबको खुशी के लिए तो जी रहा है, पैसा कमा रहा क्यों, क्योंकि अंत में उसको खुशी चाहिए। सब चीज़ है ना खुशी के लिए ही तो है, आदमी खुश रहना ही तो चाहता है, और क्या चाहिए इंसान को। पैसा चाहिए बेहतर जीवन के लिए, खुश रहने के लिए, यही तो अल्टीमेट गोल होता है। तो बस यही चीज़ है, खुश रहना सीखिए, बाकी ज़िंदगी है चलता रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा। बस हर परिस्थिति में आप सामान्य रहिए और ख़ुद को संभालिए, और आप अपने और अपने आसपास के जितने लोग हैं सबको खुश रखिए, ठीक है। जब भी आपको परेशानी हो या फिर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या करें, सबसे भगवान पर छोड़ दीजिए। जो होना है होगा, उसको आप बदल नहीं सकते, बस आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा नहीं कभी भी। कभी एक जगह पर रुक के स्टॉक होके फंस के मत रह जाइए, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। जो चाहते हैं वो अगर पूरा होना है तो ज़रूर होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं होना तो लाख कोशिश भी कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। बस ये चीज़ को समझ कर आगे बढ़ते रहिए, जीवन बहुत बेहतर होगा, ठीक है, और खुशी वाला आपका जीवन होगा, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब आपके खुश रहेंगे। अगर आप ये चीज़ सीख लिए तो मूव ऑन करना और सब सारे सिचुएशन सामान रखना और किसी चीज़ को इमोशनली अटैच ना होना, उसमें फंस के ना रहना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो और कोई भी सिचुएशन हो, अगर वो चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा तो समझिए आप उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हावी हो रहा तब वो आपको कंट्रोल करेगा, तब आपका जीवन ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ है, आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं,
देखिए दुख होता है ना, आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, या कोई चीज़ नहीं मिलता है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिला तो बहुत आदमी अंदर से टूट जाता है। तो उस समय में आपको आपको है ना खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान दूसरा इंसान आपके लिए नहीं सोचेगा। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचिएगा ना, कोई इंसान नहीं सोचने वाला जीवन में है ना, इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स और आप खुद जो है आप खुद के लिए सोचते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स ही ऐसे इंसान हैं और आप खुद हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दूसरे के लिए सोचता है या दूसरे का फ़ायदा के लिए सोचता है, सब अपना मतलब निकालता है। इसलिए अपने पेरेंट्स पर भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, और जो भी करना चाहते हैं पूरा मेहनत से कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, तभी जाके लाइफ बेहतर होगा। कि बस यही है, जब तक आपका ज़िंदगी है तब तक अच्छे से रहिए, इन्जॉय कीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, कुछ सीखिए, खुश रहिए। यही तो चाहते हैं सब लोग, यही तो चाहिए। अब इसके अलावा क्यों ज़्यादा चीज़ चाहना, क्यों उसके पीछे दौड़ना जो है ही नहीं हमारे जीवन में, जो इसका कुछ महत्व भी नहीं है, उस चीज़ में लगे हुए हैं जो हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं देता है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उस चीज़ में फंस के रह जाते हैं, और जो एक्चुअल में हमको पूरा करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है ना समझना होगा भगवान, ये चीज़ समझना होगा सारे इंसान को। अगर आप भी है ना इस चीज़ समझते हैं ना, सच में कह रहा हूँ, आप है ना खुश रहना सीख लेंगे, और आपको कितना भी दुख क्यों नहीं आएगा ना, आप उसमें फंस के नहीं रहेंगे। हालांकि सब इंसान के जीवन में दुखी आता है, कष्ट आता है, तो ये चीज़ है कि आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपका माइंड उस समय बहुत तरह से, बहुत दूरी तरह से आपका टूट जाएगा। बस ये कि खुद को उस चीज़ से निकलना आप सीखिए, तब देखिए कितना बेहतर लाइफ हो जाता है। बस यही सारी बातें था, हम अपने लाइफ में ये सब चीज़ देखे, मेरे जीवन में दुखी आया, ठीक है। जब इस सारे बातों को मैं सोचा, समझा, इसको अपनाने की कोशिश किया, तो कुछ बदलाव आया, मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैं आपको सोचा कि उसे बताऊं। तो ये सारी बातें हैं, आप एक बार इसको ध्यान से अच्छे से सोचिएगा, शायद आपको कुछ समझ में और कुछ अच्छा ज़रूर लगेगा।